एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको, 14 इंच बाय 11 इंच के टू पीसेस कटोगे। अब हम पहले से आपस में जॉइन कर लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली, लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो गया। यहाँ पे इस तरीके से इसे रखते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, तो इस तरीके से रेडी हो गया। 1, 2, 3, 4 पॉकेट्स हमारी इसमें बनी हुई है देखिए अंदर ऑलरेडी, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है फ्रंट और बैक के लिए। अब 2 मिनट इसे साइड पर रखते हैं और हम जिपर वाला पोर्शन निकाल लेते हैं। लेग का एक पोर्शन ले लिया इस तरीके से, यहाँ से हम पट्टियाँ लगा निकालेंगे। टू पीसेस 4 इंच 20 इंच, सेम साइज की हमें जिप लेनी है। जिप अटैच कर लेते हैं इन दोनों पीसेस के साथ। जिप को रखना है यहाँ पे सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे फोल्ड करना है यहाँ पे टॉप स्टिच, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। एक तरफ जिप अटैच होगी, दूसरी तरफ कर लेते हैं। इसे पलट के इस तरीके से रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लग गई। इसे भी फोल्ड कीजिए यहाँ पे टॉप स्टिच, ये देखिए टॉप स्टिच लगा लिया, तो ये रेडी हो गई। पहले हम स्ट्रैप कट कर लेते हैं, तो जो लेग वाला दूसरा पोर्शन था यहाँ से हम स्ट्रैप कट कर लेते हैं। यहाँ से स्ट्रैप कट होगी और यहाँ से हमारा साइड के लिए कट हो जाएगा। इंच 23 इंच सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों को रेडी कर लीजिए। रेडी कर ली, अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। इसके सेंटर पे निशान लगा लीजिए, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट्स पे निशान लगा लिया। स्ट्रैप, स्ट्रैप को रखना है यहाँ सेंटर पॉइंट के बीच में, यहाँ पे स्ट्रैप रखी सेंटर में। इस तरीके से ये हमारे हैंडल्स आएंगे पकड़ने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2,
3, 4 सिलाई। ये मैंने दोनों स्ट्रैप को ज्वाइन कर लिया। अब हम इसके साइड के लिए बनाते हैं, फ्रंट बैक टॉप। अब साइड्स के लिए बनाते हैं, इसे साइड पे रखते हैं। यहाँ से हम इसके साइड्स के लिए निकले। देखिए इस तरीके से टू पीसेस कट किए हैं मैंने। एट इंच बाय 4 इंच पहले हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वाला पीस लेना है इस तरीके से, इसे रखना है यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और एक पीस को यहाँ पे रखना है, सिलाई लगा लीजिए। इसे इस तरीके से करके यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ टॉप स्टिच, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। ये वाला पीस लेना है, यहाँ इसके सेंटर में सेंटर पॉइंट लेना है। इसका सेंटर पॉइंट हमारा ये जोड़ है, सेंटर पॉइंट को यहाँ पे रखना है। इस तरफ से और यहाँ से इस तरफ से सेंटर पॉइंट को यहाँ पे जोड़ के ऊपर रखना है इस तरीके से। यहाँ दोनों तरफ इसके सिलाई लगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से ज्वाइन हो गया। अब हमें दो सिलाइयाँ लगानी है, एक सिलाई हमें यहाँ से लेके यहाँ तक लगानी है पूरी और एक उस तरफ। तो या तो आप इसे पिनअप कर लीजिए इस तरीके से, पहले ये वाली सिलाई लगा लेंगे। तो हम इसे पिनअप कर लेते हैं। इस तरीके से तो ये हमारा परफेक्टली फिट आ रहा है। अगर इस टाइम आपका ज़्यादा या कम आता है तो आप साइड से थोड़ा सा इसे उधेड़ के ठीक भी कर सकते हैं। इस तरीके से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए 1, और सेम उसी तरीके से इस वाले पीस को यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लीजिए तो ये हमारी साइड ज्वाइन हो जाएगी। एक सिलाई यहाँ से लेके यहाँ मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये हमारा बीच में अटैच हो गया। अब ये जो रफ एजेस हैं सिंपल इस तरीके से पट्टी से पट्टी को फोल्ड करते हुए हाफ अंदर की तरफ हाफ ऊपर की तरफ इस तरीके से यहाँ से लेके पूरा राउंड में रफ एजेस को फिनिश कर लीजिए और यहाँ से फिर बैक को सीधा कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया और इसमें कपड़े डाल दिए। तो इस तरीके से देखिए विद हैंडल्स के साथ हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। आप चाहे तो यहाँ साइड में इसके लंबे वाली स्ट्रैप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है।